दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे आदमी ने बाहर निकलते ही गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि वो आदमी उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है और 5 मिनट तक लिफ्ट में फंस गया, जिसे इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने लिफ्ट से बाहर आते ही सोसाइटी के गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिस पर उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कई गार्ड इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस आदमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थप्पड़ मारने की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकालने के लिए 3 लोग वहां पहुंचे। पहला गार्ड और 2 लिफ्ट ऑपरेटर, जिन्होंने जैसे ही लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकाला वो सीधे गार्ड की तरफ बढ़ा और उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वो वहीं नहीं रुका, उसने एक तमाचा लिफ्ट ऑपरेटर को भी मारा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो फिर गार्ड की तरफ गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया।